मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार भी योगी सरकार ऐतिहासिक दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाले दीपोत्सव में 21 लाख दीयों का विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते राम की पैड़ी और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के साथ सभी मठ मंदिरों समेत करीब 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने की भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में आयोजित किए जा रहे इस ऐतिहासिक दीपोत्सव की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के करीब 25,000 वॉलंटियर्स लगातार अयोध्या के अलग अलग घाटों पर दीपकों को जलाकर सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी दीपकों को दरअसल लगाया जा रहा है और बाद में इन्हें जलाया जाएगा। साथ ही इस मौके पर सिर्फ अयोध्या दीपोत्सव की यादों को संजोने के लिए आई लव अयोध्या का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, बल्कि सरयू पुल पर अभूतपूर्व आतिशबाजी के भी भव्य इंतजाम हैं, जिसको लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे युवाओं और अयोध्या वासियों में जबरदस्त उत्साह है। पूर्ण है कि हम लोग यहाँ पे व्यापक तैयारी देख रहे हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण लगे हुए हैं और हम लोग उसको बहुत व्यापक इस बार दे रहे हैं। 6 दिवाली हो चुकी है और 7वें दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने हमेशा रिकॉर्ड बनाया है, इस बार और बेहतर रिकॉर्ड बनाएंगे। और सभी लोग का यहाँ लोक उत्सव के रूप में है, सब लोग अयोध्या के दीपोत्सव को इंटरनेशनल ख्याति मिली है और सब लोग इसे जुड़ना चाह रहे हैं और हम लोगों ने इस बार दीप प्रज्वलित किया, इसीलिए ज़्यादा लक्ष्य रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सहभागी बने। 25,000 हमारे अवध यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स लगे हैं जो लगभग 24,59,000 दीप प्रज्वलित करेंगे और जो हमारा रिकॉर्ड लगभग 21,22,000 का जो भी निकल के आता है उसमें पूरा टेक्निकल रूप से उसकी जांच होती है। और साथ साथ हम जो विभिन्न मठ हैं, मंदिर हैं, जो कुंड हैं हमारे हैं, कुछ विद्यालय हैं सेलेक्ट किया गया है, उसमें 10 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। तो हमारा एक व्यापक कार्यक्रम है और जनसहभागिता भी है। बाकी हमारे जो नागरिक हैं, अयोध्यावासी हैं, व्यापार बंधु हैं, वो भी इसमें कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। तो काफ़ी व्यापक आयोजन है और हमारा जो राम की पैड़ी का जो मुख्य आयोजन है, इसमें लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होगा और प्रोजेक्शन मैपिंग का प्रोग्राम है, क्रैकर शो का भी कार्यक्रम है। इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आयोजित करेंगे। रामकथा पार्क में रामलीलाओं का मंचन है, उसमें 4 देश के रामलीलाओं का मंचन होगा और साथ साथ 21 प्रदेशों की जो रामलीलाओं का मंचन यहाँ पे हम लोग अलग अलग मंचों पे करेंगे। लगभग 5 अन्य मंच भी लगाए गए हैं और साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि जो हमारे कार्यक्रम है मुख्य कार्यक्रम का, उसका हम 24 LED के माध्यम से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रसारण करेंगे कि अधिक से अधिक हमारे भक्त श्रद्धालुगण उसको देख पाए। और उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम के पश्चात LED का और प्रोजेक्शन मैपिंग का कार्यक्रम, उसके बाद भी हम लोग संचालित रखेंगे कि लोग उस कार्यक्रम का आनंद ले सकें। सर, इस भव्य कार्यक्रम में किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया है, मुख्य अतिथि कौन होंगे और किन किन गणमान्य लोगों को बुलाया है? नहीं, यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं, वो भी आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण है 61 राजदूत और उनके परिवार आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसका फाइनल प्रोग्राम आ गया है। लगभग 61 सदस्यगण आ रहे हैं जो विभिन्न देशों के राजदूत हैं और उनके परिवार भी हैं, तो उनका कार्यक्रम भी आ गया है, वो भी आएंगे और मंत्रीगण भी आएंगे और भी जो अन्य प्रदेशों के मंत्रीगण भी, उनका भी प्रोटोकॉल आ रहा है, जुडिशियरी से लोगों का प्रोटोकॉल आ रहा है, तो जैसे जैसे है, लेकिन जो फाइनल है वो आपको हमने बताया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शाहजहांपुर में दीपावली पर वोकल फॉर लोकल की थीम पर प्रजापति संघ ने प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें हुनरमंद कुम्हारों के प्रोडक्ट सजाए गए हैं। प्रदर्शनी के जरिए कुम्हारों की मिट्टी के बर्तनों के अलावा दीपक, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति की बिक्री हो रही है। पूरे जिले के कुम्हार इस मेले में शामिल हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग भी मेले में मिट्टी के सामान खरीदने पहुंच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, और जो आपके लोकल मार्केट के जो वेंडर हैं, दुकानदार हैं, आप उन्हीं से सामान खरीदिए। और यहाँ पर शाहजहांपुर में इसी सारे प्रोडक्ट को लगाया गया है, एक छत के नीचे लोग पहुँच रहे हैं, मिट्टी के सामान खरीद रहे हैं और अपने घरों को ले जा रहे हैं। सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र के सिरसिया ठाकुरई गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और लोगों की माने तो पैसों के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया असलहा भी बरामद हुआ। दिनांक 9/11/2023 के शाम 7 बजे के आसपास ग्राम सिरसिया ठकुराई टोला गोपालपुर थाना करमा के जंगल में राम सजीवन उम्र
28 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके संबंध में उनके पिता रामानंद चौहान द्वारा थाने पर सूचना दी कि उसके बेटे को गांव के ही पंकज कुमार सिंह द्वारा 20,000 रुपए उधारी के जो लिए थे न देने के नियत से गोली मारकर हत्या कर दी है। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश, दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने पकड़ा है। दोनों आरोपी पशु चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, कैश और बाइक भी बरामद की गई है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के करुआवारा रोड के पास की ये मुठभेड़ बताई जा रही है। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के तिगोड़िया गांव में अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। प्रतिमा विसर्जन के लिए जाते वक्त अन्य धर्म के पूजा स्थल पर गुलाल पड़ जाने के बाद माहौल गर्म हो गया। दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ने लगे और तभी मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चे को संभाला। दोनों तरफ के लोगों को शांत कराया गया। पुलिस ने 14 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। कल दिनांक 9/11 को ग्राम तिगोड़िया थाना रुधौली में लक्ष्मी मूर्ति को स्थापना हित ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक मस्जिद थी जिसमें मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि कुछ गुलाल के छींटे उनकी दीवारों पर पड़ी हुई हैं। इसको लेकर के दोनों पक्षों में कुछ वाद विवाद हुआ और हल्की फुल्की मारपीट हुई, जिसमें से एक पक्ष से हल्की चोट इजहारनामे व्यक्त हुआ और दूसरी तरफ से एक लड़की को हल्की सी चोट आई है। दोनों का प्राथमिक उपचार स्थानीय सीएससी में कराया गया। हरदोई में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। दुष्कर्म का वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया। घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हुई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता ने आरोपी पर धमकी देकर आरोपी पर कई बार रेप करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के गिरफ्तारी के प्रयास में अब जुट गई है। कानपुर जेल में इस साल दीपावली पर जगमगाने वाले दिए जेल में बंद कैदियों के हाथों के ही बने होंगे। इसके लिए कैदी जेल में ही चाक घुमाकर मिट्टी के दिए बना रहे हैं। जेल में सजा काट रहे कैदियों को दीपावली की स्पेशल दिए बनाने के लिए जिला प्रशासन जेल प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। कैदी मिट्टी के दिए बनाने में काफी रुचि भी लेते दिख रहे हैं।